कैसे हो सारे? ठीक हो? अगर 30 दिन बाद आया मैं बाहर, है थोड़ी भाई की चिंता? कर दिया सिस्टम हैंग? सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी मैं मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, बट उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। और इस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, और इनके स्वागत में भाई तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, बस जोरदार तालियां जी। हमारे हरियाणा का यूथ हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। मैं जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, इन्होंने मेरा जोश दोगुना कर दिया। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ सर, तो इन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊंगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा था कि सर आ जाओगे आप, इन्होंने एक बारी में बोला कि मैं जरूर आऊंगा। और काफी दिक्कतें थी परमिशंस की कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी इन्होंने एक बार कहने पे मुझे परमिशन दिलाई। तो सर मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ के लिए और हमारे हरियाणा प्रदेश के यूथ के लिए, हमारे देश के लिए आप दो शब्द बोलो। सबसे पहले तो मैं अपने इस नौजवान साथी अलवेश यादव को, और मैंने बेरा पांड्या के अलवेश यादव को आप राव साहब कहते हैं ना भाई, अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत हैं, और एलविस जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है, इस टैलेंट का मैं सम्मान करता हूं। भाई युवको, आज का ये देश, अपना ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है अपने को पता है, लेकिन आपके कंधों पर भविष्य का अपना देश कैसे बने, इस देश का प्रदेश का सारा जिम्मेवारी, सारा दायित्व आपके कंधों पर है। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और नौजवान साथियों, ये एल्विस का ये जो प्रतिभा है, हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी, निश्चित करेगी। मैं आज एक घोषणा करता हूं कि एक प्रोग्राम देश भर में चल रहा है, इंडिया गॉट टैलेंट के आधार पर ही हम आने वाले 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर हरियाणा प्रतिभा सम्मान ये एक समारोह आयोजित करेंगे। इस प्रतिभा सम्मान में जितने भी हरियाणा के प्रतिभावान युवक हैं, उनमें से बेस्ट को छाटा जाएगा, और बेस्ट को छाटने के बाद हरियाणा उसको सम्मानित करेगा। अब जब हम 1 नवंबर को शुरू करेंगे, मालूम नहीं एलवेस हमारा राव साहब उसमें अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ एक विशेष सम्मान हम एलवेस यादव को उस दिन देंगे, एक विशेष सम्मान देंगे। और इस नाते
वजह से मैं आप युवकों से भी एक अपेक्षा करता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाने में आपको अपने आप को संभालना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा और युवकों का भविष्य उसके अपने प्रतिभा में ही है। आप अच्छे काम करेंगे, जो भी आपको संस्कार मिलते हैं उस नाते से आगे बढ़े। हमारे युवा, बहुत युवा कुछ गलत रास्ते पर चले हैं, उनके प्रति आपको सजग होना है, दूसरों को सजग करना है। खास करके दुनिया की एक हवा ऐसी चली है कि अपने देश में कुछ युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, इससे सावधान रहना मेरे मित्रों, इससे सावधान रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, एल्विस आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। बोलो भारत, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, एल्विस भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। जिस वजह से 30 दिन गायब था और जो ट्रॉफी जीत के लाया, मतलब आप लोगों की ट्रॉफी है, मैं अपने साथ भी लाया हूं। एक बारी ये ट्रॉफी जो एल्विस भाई को मिली है, ये एल्विस भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ, ये जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें, ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद। एल्विस के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एल्विस को सम्मानित किया है। वो ट्रॉफी जो जीत कर लाए थे उसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभिनंदन समारोह में एल्विस को भेंट करके, एल्विस के पेरेंट्स के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वार्तालाप और उसको उनको आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए यहां पर पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको भी और इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं स्थानीय लोग। बहुत ही खुशी का मौका है कि एल्विस, गुरुग्राम के एल्विस ने हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश में, विश्व भर में रोशन किया है। स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्थानीय निवासियों द्वारा, उनके एल्विस के अभिभावक माता पिता द्वारा भेंट किया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर एल्विस के पिताजी श्री राम अवतार जी यादव और इनके माताजी भी आए हैं, इनके ताऊ जी भी आए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एल्विस यही है, आपको गाना सुना के नहीं गया तो मेरे जूते मार लियो बेशक, एल्विस को यही बुलाएंगे और ये गाना सुनाएगा दोस्तों। एल्विस आज पूरा रंग जमाएंगे, सीएम साहब ने कहा एल्विस के दो गाने जरूर सुना के जाएंगे। तब तक एल्विस की माता जी है, हमारी भी माँ है, वो आपको दो शब्द जरूर की, क्योंकि इनके बेटे को आप लोगों ने हीरो बनाया है। लीजिए माता जी।
ओके गाइस फुल फैमिली ऑन। एक सेकंड भैया, भैया एक सेकंड। एल्विश अभी सीएम साहब को छोड़ने के लिए गए हैं, अभी दो मिनट में आपके बीच आएंगे और आपको परफॉर्म करेंगे आपके सामने। माताजी ने ये कहा है कि एक मेरा एक एल्विश बेटा नहीं है, ये जितने 10,000 लड़के खड़े सारे मेरे बेटे हैं, इसलिए माताजी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सब बच्चों का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो ये चीज कभी पूरी हो ही नहीं पाती। ये बात मतलब कि ये काम पूरा हो ही नहीं पाता आप लोगों के, अगर आप लोग नहीं होते तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंटी का हैप्पी बर्थडे गाइस, आज एंटी को हैप्पी बर्थडे इस तरह करते हो सबने वाली एंटी को इस करते हैं हैप्पी बर्थडे एंटी। अंकल जी बोले, अच्छा एक बार और अंकल जी बोलना चाहेंगे। सभी का, सभी बच्चों को प्यार आशीर्वाद, मेरे साथी गणों को नमस्कार, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग आए हैं हो सकता है अभी पीछे बैठे हैं, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए, उनको राम राम। तो सभी बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, ये हमारा दिल से दुआ है कि सभी बच्चों को इस अभिनंदन समारोह में आप आए, सभी शांति बनाए रखें, प्रशासन का साथ दे, व्यवस्था को ना बिगड़ने दीजिए, मेरी अपील है। भींगे तुम्हारा भी अंकल भाई पिता जो भी लगा लो एलविस की तरफ से है, पिताजी के बराबर हूँ, इसलिए आपको ये व्यवस्था ना बिगड़ने दे, अगर कोई ऐसा हो रहा है तो उसको तुरंत संभाले, कमांडो है हमारे उनको जो वो ये लगे हुए हैं उनका साथ दे, यही और सकुशल घर पहुंचे और इसी तरह प्यार बनाए रखे। आपके प्यार का एहसान हम कभी नहीं उतार पाएंगे, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब एक मेरे साथ बोलिए, सिस्टम एल्विश आजा साजा। एल्विश मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना जो फेमस गाना है, और एल्विश भाई का अभी एक गाना और रिलीज हो रहा है, आप एल्विश भाई ये देखो ये लाइटें जो जला रखी है, ये वो आदमी है जिसने हरियाणा के युवा को पूरी दुनिया में ये बता दिया है कि बिग बॉस जीतने वाला एकमात्र युवा हरियाणा का इतनी छोटी उम्र का हो सकता है, इसलिए एल्विश के लिए बोलिए सिस्टम सिस्टम एल्विश आ जा छा जा। अब सारे जने से किल की मार दोगे तो एक गाना एल्विश भाई मेरी तरफ से सुनाएगा। अरे छोरे हरियाणा वाले गाड़ देने लगे ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, ये बहुत सही आदमी को जिताया आपने। बेस्ट 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 टेस्ट, एक बार चला रहा 3-2-1 प्यारा भाई को बहुत 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 शुक्रिया यार, भाई ने टाइम निकाला, पिछली बार हो नहीं पाया था, इस बार ही सारे भाइयों ने धुम्मा उठा दिया भाई, सिस्टम हैंग कर दिया। मेरे जितने भी आर्टिस्ट भाई आए यहाँ पे, राहुल भाई, प्रिंस भाई, जो नाम यहाँ पे और भी मैं मतलब बहुत सारे मेरे भाई है, भाईचारा इतना कमा रखा हमने कि नाम कम पड़ जाते हैं, तो सभी लोगों को भाई तुम्हें इधर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और सारे भाई फ्री मार रखे, मत सोचना पैसे पूछे दिए इनते, सारे फ्री मार रखे भाई, तुम सोच रहे थे पैसे मिलेंगे नहीं भाई, सारे भाइयों को दिल से प्यार, और मुझे पता है भाई हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, मेरे जितने भाई भाई एक भाई हो यार, अब स्टेज पे बने रहिएगा, एल्विश और प्यारा भाई आप लोग भी। कौन सा भाई है जो हमें ना पता कौन सा ट्रैक चलाने वाले हैं इस भाई, हम क्या कुछ मस्त रंगीन चलाने वाले हैं क्या, तुम्हें पता है पहले से क्या बजने वाला है पता है नहीं पता मारने की बात करे छोड़ा। अगर आप लोग ना होते, हमारा प्रशासन ना होता, तो आज शायद ये वाला प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाता, तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत ही रिस्पेक्ट सभी लोगों के लिए, इतनी भागा दौड़ी आप लोग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब चले मत जाना मेरे को, जब तक मैं नहीं करना जाऊँ और एक गाना भाई हमारा आज रिलीज हुआ है मीटर खींच के, तो यहाँ भी चलेगा, अरे यहाँ भी चलेगा, वहाँ भी चलेगा, नहीं चलेगा चलेगा।